नमस्कार, मेरा नाम आलोक कुमार गौड़ है। मैं प्राथमिक विद्यालय कहर का विकास खंड प्लाना जनपद बागपत में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने मैथ मैजिक नाम से एक गेम बोर्ड बनाया है, जिसकी सहायता से जब बच्चे उसको खेलेंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो सीख रहे हैं और वो प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। मैंने मैथ मैजिक नाम से एक गेम बनाया है, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की कंसेप्ट बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए अनबॉक्स करते हैं। ये गेम है जिसका नाम है मैथ मैजिक। इसे बच्चों को डाइस और लूडो की गोटी के साथ खेल सकते हैं बच्चे। थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ गेम को। यहाँ से बच्चे को स्टार्ट करना है। इस तरह बच्चा मूव करते हुए वापस यहीं पर आएगा। स्टार्ट भी यहाँ से है और होम भी हमारा यहीं पर है। अब आप देखिए, इसमें आपको डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही होंगी। यदि मैं क्लास वन से शुरू करूँ तो बच्चे को डिफरेंट शेप्स इसमें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद उसको गिनने की संक्रिया यानी गिनती भी उसको कंसेप्ट क्लियर होगा। और जहाँ जहाँ शेप है आप देख रहे होंगे, वहाँ वहाँ पर मैंने कोई नंबर नहीं लिखा है। यानी बच्चे को खुद पहचानना है कि कौन कौन सा नंबर हमारा मिसिंग है, यानी वो छूटी हुई गिनती को भी लिख पाएगा। क्या बीच में आना है, क्या बाद में आना है, क्या पहले आना है, ये संक्रिया भी कक्षा एक के गणित लक्ष्य में बच्चों को प्राप्त करने में हमें मदद करेगी। नंबर दो पर आते हैं लक्ष्य में। कक्षा टू में हमारा है प्लस माइनस का, तो प्लस का कंसेप्ट है बिना हासिल वाला। तो इसके लिए हमें ये हेल्प शीट की सहायता की जरूरत पड़ेगी। जब बच्चा यहाँ से खेलना प्रारंभ करेगा और डाइस फेंकने पर उसका कोई नंबर आता है जो किसी शेप पर जाता है, अभी मान लीजिए यहाँ आया, तो यहाँ बच्चा पहचाने स्क्वायर है और कौन सा नंबर है, फाइव नंबर है, तो बच्चा स्क्वायर में फाइव नंबर देखेगा जहाँ पर लिखा हुआ है 16 माइनस 10। 6 माइनस 10 हो गया आपका 6, पर जाओ तो बच्चे को पता है मुझे 6 पर जाना है। उसके बाद मान लीजिए उसका 34 पर आता है, तो 34 है हमारा 30 माइनस 28। माइनस की संक्रिया उसको क्लियर हो रही है। 30 माइनस 28 यानी 2 आने पर चलो, यानी बच्चे को पता है कि मुझे दो बारी वेट करना है। मान लीजिए अब उसका आता है 53, तो 53 है 16 डिवाइडेड बाई 4, यानी क्लास फिफ्थ डिवाइडिंग संक्रिया है उसकी 4 4 16, 4 आने पर चलो। अब जब बच्चे को डाइस पर 4 नज़र आएगा तो ही वो अपनी बारी चल पाएगा, अदरवाइज उसको वेट करना पड़ेगा। हम आते हैं यहाँ पर 56, मान लीजिए आ गया है 56 हमारा यहाँ पर है 55 56 56। सर्कल है, सर्कल पे हम देखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 आने पर चले। जब 3 मल्टीप्लाई 3 1 3 आएगा तो ही बच्चा चलेगा। तो इस तरह उसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की संक्रिया बिल्कुल क्लियर होगी। आकर्षक रंग बने हुए हैं तो बच्चों को ये अट्रैक्ट करेगा और बच्चों को ये पता ही नहीं चलेगा कि वह खेल खेल में सीख भी रहा है, जिससे कि हम अपने लक्ष्य को शीघ्रता से शीघ्र प्राप्त